ओम शांति। आज की तारीख है 10/8/2023, 10 अगस्त 2023। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे जब तुम शिव बाबा की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। जब से बाबा के बनते हो तो तुम्हारे लिए ये कलयुगी दुनिया समाप्त हो जाती है, तुम्हारा अगला जन्म नई सतयुगी दुनिया में होगा। इसीलिए कहावत है, आप मिले मर गई दुनिया। बाबा आप मिले जैसे कि हमारे लिए कलयुगी दुनिया समाप्त हो गई। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक रस्म के आधार पर बाबा के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, भारत में हर वर्ष पिन खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं और फिर उससे बातें करते हैं। पितृ खिलाने की रस्म चली आई है, जब किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो नहीं आता, आत्मा ही आती है। ये भी ड्रामा में नोत है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। अब किसी ब्राह्मण को बुलाकर किसी का निधन होता है तो उसके पितृ खिलाए जाते हैं, तो उनकी ही पसंद की चीज़ें खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे किसी में आत्मा, दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है किसी शरीर में, ऐसे ही परमात्मा का भी अवतरण इस ब्रह्मा तन में हुआ है। ये तुम बच्चे सिद्ध करके समझा सकते हो, ये बात तुम सिद्ध करके समझा सकते हो कि शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर हमको ये वंडरफुल नॉलेज, वंडरफुल ज्ञान सुना रहे हैं। गीत है आज की मुरली से, मरना तेरी गले में। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। माता पिता को फॉलो कर शिव बाबा के समान सभी को बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। स्वदर्शन घुमाते रहना है चक्र, कैसे? मैं आत्मा अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आत्मा अपने देश शांति धाम में रहती थी, फिर मैंने सतयुगी दुनिया में आई, फिर सतयुग से त्रेता द्वापर संगम पर बाबा मिला, और अब फिर से बाबा हमें इस संगम पर आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए फरिश्ता स्वरूप में तैयार कर रहे हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। बुद्धि से बाबा को याद करते रहना है, साइलेंस में याद करना है, याद की धुन में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, देही अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह के अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, स्वमान में माना मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता शिव बाबा द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो, और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सम्मान का और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन है आज की मुरली से, हर कदम में शिव बाबा की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में शिव बाबा की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। शिव बाबा के विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते इसका अभ्यास करेंगे। एक मिनट के लिए विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। बाबा ने हम सब बच्चों से कई बार अभ्यास करने को कहा है।
एक आँख में शांति धाम और एक आँख में मुक्ति धाम। आइए हम अभ्यास करते हैं। देखें उस शांति के घर को, उस शांति धाम को, जहाँ से मैं आत्मा इस धरा पर आई। जब आई थी तो अशरीरी थी, उस शांति की दुनिया को निहारे। शांति सागर के साथ में आत्मा शांति की स्थिति में रहती थी। वो हमारा पिता, हमारा परमात्मा, जो शांति का सागर उसके साथ में आत्मा रहती। चारों ओर शांति धाम में अनंत शांतियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये पूरा ब्रह्मांड शांति की शक्ति से भरपूर था। दूसरी तरफ मैं आत्मा देखती हूँ, उस शांति की दुनिया से मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ सुख की दुनिया में, जहाँ चारों ओर अथाह सुख, सोने जवाहरातों के महल, लक्ष्मी नारायण का राज, एक बड़ा सा महल। उस महल में मैं आत्मा सिंहासन पर विराजमान, मेरा सतयुगी देवता स्वरूप निहारे अपने उस सुंदर स्वरूप को, उस मनमोहक स्वरूप को। कितना सुंदर मेरा स्वरूप, मस्तक पर मुकुट, देवताई वस्त्र।